अगर आप एक हेयर पैच लगवाने का सोच रहे हैं या फिर अभी अभी आपने एक हेयर पैच लगवाया है तो मन में एक सवाल होता है कि क्या मैं हेयर पैच को पहन के जिम या स्विमिंग के लिए जा सकता हूँ, एंड इन केस मुझे एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो उस केस में क्या होगा। सो इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करेंगे इस वीडियो में। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स के मन में क्वेश्चन होता है कि क्या मैं हेयर पैच लगा के जिम जा सकता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो क्या उस केस में हेयर पैच सही रहेगा। सो देखिए, होता क्या है कि जब भी स्कैल्प पे पसीना आता है उसके बाद उसे हवा लगे तो वो सूख जाता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कोई भी हेयर पैच हो उसमें एयर फ्लो का प्रोविजन हो। अर्बन हेयर्स के सारे पैचेस में एक नेट होता है जो कि एयर एंड वाटर फ्लो अलाउ करता है, सो वो आपके स्कैल्प को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करता, सो दैट एयर एंड वाटर फ्लो बना रहे। एंड इस नेट का फायदा यही होता है कि ना ही उसमें अंदर पानी सके एंड हवा लग के स्कैल्प सूख जाए। एंड जिन लोगों ने पहले हेयर पैच लगवाया हुआ है उनको ये बात अच्छे से पता है कि जब वो सर्विसिंग कराने आते हैं तो हेयर पैच के नीचे उनके नेचुरल हेयर्स ग्रो कर रहे होते हैं जिसको सर्विसिंग में ट्रिम किया जाता है, तो वो जो नेचुरल हेयर्स ग्रो कर रहे हैं नीचे वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि स्कैल्प ब्लॉक नहीं है, क्योंकि अगर स्कैल्प ब्लॉक्ड होता तो फिर एयर एंड वाटर फ्लो का तो मतलब ही नहीं बनता, तो चाहे नहाते टाइम पानी हो या फिर स्वेटिंग हो वो इजीली निकल जाता है। एंड जब तक आपका पैच वेट है फ्रॉम स्वेटिंग और वाटर तब तक ग्लू की होल्ड थोड़ी कम हो जाती है, एंड जैसे 5 मिनट में हवा लग के जब वो पैच सूख जाता है तो ग्लू की होल्ड वापस से बन जाती है, एंड इस ग्लू का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता ह्यूमन बॉडी पे। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप कहीं से भी हेयर पैच लगवाओ बट हेयर पैच में जर्मन टेप यूज होनी चाहिए क्योंकि जर्मन टेप बेस्ट इन क्वालिटी है, वाटर प्रूफ है, तो उसकी होल्ड पे फर्क नहीं आता। एंड स्वेटिंग का हेयर पैच पे बस फर्क इतना पड़ता है कि अगर आपका ड्राई स्कैल्प है तो आपको सर्विसिंग 30 दिन बाद करानी होगी, बट वहीं अगर एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो हो सकता है 20 या 25 डेज में, तो जो सर्विसिंग का जो टाइम पीरियड है वो बस कम हो जाता है क्योंकि नेचुरली ग्लू की होल्ड धीरे धीरे कम होती जाती है, तो एक्सेसिव स्वेटिंग होगी तो वो ज्यादा जल्दी होल्ड कम होगा, तो इसीलिए सर्विस टाइम कम हो जाता है, बट अदरवाइज कोई इशू नहीं होता। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके मन में जो सवाल चल रहे थे उनके आंसर्स आपको मिले हो, और ऐसे ही और FAQ वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। सो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।